देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। वेदर अपडेट में आपका स्वागत है। देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं, वहीं उत्तर भारत के राज्य में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचता दिखाई दिया। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। आने वाले अगले कुछ दिन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मौसम के करवट लेने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 से 17 मई को तेज हवाओं के साथ ये गरज है। वहीं बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है। उत्तर पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 16 से 17 मई को हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। वहीं हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बता दें आंधी तूफान की संभावनाएं हैं। वहीं उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में आपको बता दें 14 से 15 मई को 30 से 40 डिग्री प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावनाएं जताई गई थी। वहीं दिल्ली में 8 जगहों पर तापमान 47 डिग्री के अधिक रहा। हालांकि दिल्ली के मौसम का प्रतीक माने जाने वाले सफदरजंग में ये 45.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। देश का हाल देखें तो यूपी का बांदा 49 डिग्री के तापमान के साथ तीसरे सबसे गर्म क्षेत्र में रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान से गर्म हवाएं तेजी से दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ रही थी, इन्हीं हवाओं ने गर्मी बढ़ाई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज और कल तपती गर्मी से फौरी राहत मिल सकती है। मौसमी प्रभाव के कारण बादल छाए रहेंगे, वहीं धूल भरी आंधी भी आ सकती है। इस कारण से तापमान 41 डिग्री तक सिमटने का अनुमान है, लेकिन 18 मई के बाद गर्मी का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ेगा और बता दें मई में तापमान में उतार चढ़ाव का ये खेल चलता ही रहेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से राजधानी में बादल देखने को मिलेंगे, इनकी वजह से धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। तापमान कम होकर 41 डिग्री पर सिमट सकता है, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़कर 28 डिग्री पर पहुंच सकता है, लेकिन ये राहत लंबे समय तक नहीं होगी। 18 मई से एक बार फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये 19 और 20 मई के आसपास 44 से 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 21 मई से एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिख सकता है और तापमान कम होकर 41 डिग्री तक सिमट सकता है। तो वेदर अपडेट में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।